दोस्तों, गुड मॉर्निंग संडे सबके लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज आपका मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं दो डिवाइस के बारे में, रियलमी 3 प्रो, रेडमी नोट 7 प्रो। कुछ दिखा नहीं दिखा, चलिए देखते आगे। तो दोस्तों ऐसा है दोस्तों कि पहले इसके बात करते हैं, डिज़ाइन की टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो रियलमी 3 प्रो में पॉलीकार्बोनेट की बॉडी आती है दोस्तों, जैसा रियलमी 3 है उसी तरह का है दोस्तों, लेकिन यूएसबी टाइप सी नहीं है। अब बात करते हैं Redmi Note 7 के, तो सबको पता है ग्लास फिनिश के साथ आता है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है, बहुत सारा चीज़ है इसमें, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, न्यू लुक है। बात करते हैं दोस्तों इसके दम के, जान में दम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो परफॉर्मेंस ऐसा है दोस्तों के Realme 3 Pro में Snapdragon 710 का प्रोसेसर लगा है, जो एक साल पुराना है, जो 10 नैनोमीटर पे बेस्ड है। वहीं Redmi Note 7 Pro में Snapdragon 675 का प्रोसेसर लगा है, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, जिसमें परफॉर्मेंस के हिसाब से दोस्तों ये ज़्यादा बेस्ट है 710 से, लेकिन GPU में कम है दोस्तों, क्योंकि GPU जो है दोस्तों वो गेम को आधारित करता है, और गेम के मामले में दोस्तों हम लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो ऑनलाइन के हिसाब से मॉडम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है CPU में, इसका प्रोसेसर में मॉडम। तो मॉडम ऐसा बताया जा रहा है कि Snapdragon 675 प्रोसेसर में जो मॉडम है दोस्तों वो 600 Mbps का स्पीड देता है दोस्तों, और वहीं Snapdragon 710 में दोस्तों 800 Mbps का स्पीड देता है। तो आप लोग सोचते हो कि पबजी लैग क्यों करता है, तो पबजी लैग आपके परफॉर्मेंस आपके मोबाइल के वजह से नहीं करता है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर के वजह से होता है, ये लैग होता है दोस्तों नेट के वजह से, अगर नेट का स्पीड स्लो हो जाता है तो लैग होता है दोस्तों। तो यहीं पर वो चीज़ बताया गया है कि जो 710 प्रोसेसर है उसमें 800 Mbps का स्पीड आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब इसके परफॉर्मेंस के। तो परफॉर्मेंस में दोस्तों ऑब्वियसली 675 का जो प्रोसेसर है 11 नैनोमीटर में है दोस्तों, लेकिन ये स्नैपड्रैगन 710 से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन GPU में कम है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इसका कैमरा सेंसर की। तो Realme 3 Pro में दोस्तों 16+5 मेगापिक्सल का रियर में है, और फ्रंट में 25 मेगापिक्सल का है दोस्तों। बैक में जो है दोस्तों 16+5 उसका अपर्चर है 1.7। वहीं बात करते हैं Redmi Note 7 Pro के, तो उसका 48+5 मेगापिक्सल है और फ्रंट में 13 मेगापिक्सल है। यहाँ एक डिमेरिट है दोस्तों Redmi Note 7 Pro में, क्योंकि कम से कम 20 मेगापिक्सल देना चाहिए था इन लोगों को, लेकिन 13 में देके टरका दिए। तो छोड़िए, उसमें हम लोग बात नहीं करते। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये 16 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल में क्या फ़र्क है दोस्तों। तो 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है दोस्तों 12x48 48 मेगापिक्सल, तो जो आप 12 मेगापिक्सल का फ़ोटो खींचते हो उसको 4 गुना और शार्प करके दोस्तों ये फ़ोटो देता है। वहीं दोस्तों 16 मेगापिक्सल का जो कैमरा है ये IMX519 का सेंसर है, जो OnePlus 6T में दिया गया था। तो उस हिसाब से दोस्तों लो लाइट में काफ़ी अच्छा फ़ोटो खींचा है, माधव शेठ ने ट्वीट किया है फ़ोटो खींच के, लेकिन क्या सच्चाई है क्या झूठ है उसमें वो तो आप फ़ोन आने के बाद पता चलेगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक बात करते हैं दोस्तों पिक्सल साइज। तो पिक्सल साइज जो है दोस्तों 16 मेगापिक्सल का Realme 3 Pro का जो पिक्सल साइज है दोस्तों वो 1.2 ओम है दोस्तों, क्योंकि पिक्सल जितना छोटा होगा फोटो उतना अच्छा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि Redmi Note 7 Pro में जो 48 मेगापिक्सल का उसका कितना है दोस्तों। तो उसका जो है दोस्तों उसका 1.2 था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर है दोस्तों 0.8 ओम। अब ये जो है 0.8 मतलब जो पिक्सल है बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, जिसकी वजह से फ़ोटो बहुत अच्छा आती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये ऐसा अभी कुछ दिन पहले ट्वीट आया था कि 64 मेगापिक्सल का ये लोग फ़ोटो खींच के दे सकते हैं जो Realme 3 Pro वाले हैं, कि एक उनका मोड आएगा अल्ट्रा वाइड अल्ट्रा कुछ करके आएगा दोस्तों, वो तो आने के बाद पता चलेगा, मेरे पास नहीं है लेकिन बता दे रहे। तो उसमें ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों कि वही वाला होगा जो Redmi Note 7 में चाइना वाला वर्जन में हुआ था, जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा था लेकिन 48 मेगापिक्सल का शो करता था, क्योंकि एक एल्गोरिदम सेट किया गया था जिसमें रेड ब्लू ग्रीन को मिलाकर दोस्तों एक फॉर्म बनाया जाता था, जिसके वजह से 10-12 फोटो ये खींचेंगे और उसको इंटीग्रेट करके मतलब कंप्रेस को खोल देंगे, विनजिप रायर फाइल इस तरह का आप लोग तो खेला जानते ही है, इसको खोल देंगे दोस्तों और बन जाएगा आपका। तो इसी तरह का कुछ खेला कर रहा है Realme 3 Pro दोस्तों, लेकिन वाकई में इसका सेंसर अच्छा है। वहीं बात करते हैं Redmi Note 7 के Pro के, तो उसका भी सेंसर अच्छा है दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
आप लोग एक दिन और रुक जाइए तो सारी डिटेल आ जाएगी कि सही में 64 MB वाला खींच रहा है या नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बैटरी कैपेसिटी के। दोनों में 4000 mAh की बैटरी है दोस्तों, लेकिन Realme 3 Pro में दोस्तों वो चार्ज इनबिल्ट देगा दोस्तों, सॉरी इनबिल्ट नहीं, बॉक्स में देगा दोस्तों फास्ट चार्जिंग, तो जिसके वजह से काफ़ी अच्छा है। वहीं Redmi Note 7 Pro में दोस्तों 4.0 का फास्ट चार्जिंग है दोस्तों, लेकिन 18 वाट का फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट भी करता है लेकिन ये देता नहीं है दोस्तों, तो ये एक डीमेरिट है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी प्राइस की, तो मेरी जो प्राइस है मैं वो बता रहा हूँ, कंपनी की तरफ से कुछ नहीं आया। Redmi Note 7 Pro के आप लोग प्राइस जानते हैं दोस्तों, 4GB 64GB वाला जो है दोस्तों 13,999 है और 6GB वाला है 16,999 है। अब Realme 3 Pro का हम प्राइस बता दे रहे हैं दोस्तों, 3GB और 32GB इंटरनल मेमोरी वाला आएगा दोस्तों, जिसकी प्राइस होगी 12,999 और दोस्तों 4GB 64GB वाला जो आएगा 13,999 और 6 वाला जो आएगा दोस्तों 17K। तो ये आने वाला है दोस्तों, क्योंकि 32GB 3GB और 32GB वाला मिला निकालेंगे दोस्तों और वो 1000 कम रखेंगे और वो सेल करेंगे दोस्तों, ये मेरी फीलिंग्स है। बात करते हैं दोस्तों, और कुछ नहीं बचा करने के लिए, तो इसी तरह का है दोस्तों, इतने दिन वेट कर लिए तो एक दिन और वेट कर लीजिए दोस्तों, जैसे ही बाहर आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा ही बताया जा रहा है कि ये जो है 64 MP का फ़ोटो को खींच सकता है दोस्तों, लेकिन जब ये आएगा दोस्तों, अगर ये 64 MP का खींच सकता है दोस्तों, तो Redmi Note 7 Pro में दोस्तों एक सॉफ्टवेयर आएगा दोस्तों ऐसा, जो 200 MP का फ़ोटो खींचेंगे। 48 MP है लेकिन 200 MP का फ़ोटो खींचेंगे दोस्तों, ये होने वाला है बहुत ही जल्द। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी टाइम, बाय।